हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडियो चैनल पे। इसका नाम है अंकित सिंह और जैसे कि आप सभी को पता है मेरा भी नाम अंकित है। स्टूडेंट यार MSCET 2022 बी फार्मेसी के स्टूडेंट, तो आप सभी को बता दूं यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सपोर्ट प्लीज दिखाओ भाई लोग आप लोग, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट बोल रहे हैं सर अगर हमको ऑटो फ्रीज करना है, सेल्फ फ्रीज होना है या नॉट फ्रीज करना है तो हम ये कैसे कर सकते हैं और आज कर सकते हैं कि कल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये आप 14 तारीख से कर सकते हो, 14/12/2022 से लेकर 16/12/2022 तक आपको कॉलेज भी जाना होगा, रिपोर्ट भी करना होगा और सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे करनी होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं कल आपको एक डिटेल वीडियो दिन में लाके दे दूंगा जिसमें मैं आपको खुद बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कुछ चीजों का आपको मतलब समझना होगा वो क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले आपको आता है MSCET 2022 बी फार्मेसी कैप राउंड 1 ऑटो फ्रीज, सेल्फ फ्रीज, नॉट फ्रीज। अब इन तीनों का मतलब समझो, ठीक है। सबसे पहले आता है ऑटो फ्रीज। तो ऑटो फ्रीज क्या होता है, अगर आपने समझो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग की और ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में आपने जो सबसे टॉप का कॉलेज रखा था, सबसे पहले नंबर पे जो कॉलेज रखा था आपको वही अलॉट हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब आपको वो सीट ले आप या तो ले सकते हो या तो छोड़ सकते हो और आप आगे के कैप राउंड में नहीं जा सकते क्योंकि आपकी जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी वही आपको मिल चुकी है, ठीक है। तो ऑटो फ्रीज में आपको क्या है वो कॉलेज लेना ही पड़ता है क्योंकि आपको जो सबसे बेस्ट कॉलेज आपको मिल गया है ना, इसीलिए वो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑटो फ्रीज समझ गए। अब सेल्फ फ्रीज क्या होता है, अब समझो आपको पहले कॉलेज को छोड़ के अदर देन फर्स्ट कॉलेज कोई और कॉलेज मिला है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हो कि इसको मैं लू ना लू। तो देखो अगर समझो आपका मन है आपको 8वें नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ और आपको लग रहा है कि मुझे इसे ले लेना चाहिए, तो आप क्या करोगे सेल्फ फ्रीज पे क्लिक करोगे। अगर आपको कॉलेज लेना है, बोल रहे हो छोड़ो मैं आगे के राउंड में नहीं जाऊंगा ले लेता हूं, तो आपको सेल्फ फ्रीज पे क्लिक करना होगा, ठीक है। पर अगर समझो आपको वो कॉलेज ले आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ 8वें नंबर का, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि मैं एक काम करता हूँ कैप राउंड 2 में भी चला जाता हूँ और एक बार देख लेता हूँ कैप राउंड 2 में क्या पता कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए। अगर आपको आगे जाना है, बेटरमेंट के लिए जाना है, तो आपको क्लिक करना होगा नॉट फ्रीज पे, ठीक है। तो आपको 8वें नंबर के अलावा ऊपर के कोई भी कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। तो ये होता है तीनों का मतलब। अगर आपको अभी भी किसी में कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना, वीडियो पसंद आए को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।